प्यारे बच्चों, आज हम वांट हाफ फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक है। अभी तक हमने जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, वो सब ऐसे पदार्थों के विलयन के संदर्भ में पढ़ी है जो अपने विलयन रूप में न तो एसोसिएट होते थे और ना ही डिसोसिएट होते थे। हमने उदाहरण लिए थे यूरिया के, हमने उदाहरण लिए थे शर्करा के, हमने उदाहरण लिए थे ग्लूकोज के, किंतु यहाँ पे हम उन पदार्थों को लेंगे जो अपने विलयन रूप में संगुणित होते हों, एसोसिएट होते हों या फिर डिसोसिएट होते हैं, आयन फॉर्म में टूट जाते हैं। तो क्या ऐसे पदार्थों की दशा में भी जो हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, उनके जो फार्मूले लग रहे थे, वो यहाँ पे भी काम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हम चूंकि जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूट के कणों की संख्या पर निर्भर करती हैं, तो यदि विलयन फॉर्म में पहुंचकर सॉल्यूट के कणों की संख्या में परिवर्तन होगा, तो निश्चित तौर पे उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में परिवर्तन आएगा। तो इस परिवर्तन में कितना परिवर्तन आएगा, इस चीज को ही बताने के लिए वांट हाफ ने अपना वर्क किया और एक फैक्टर उन्होंने दिया। उस फैक्टर को यूज करके हम किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के फार्मूलों को हम इलेक्ट्रोलाइट या ऐसे कंपाउंड जो अपने विलयन रूप में एसोसिएट होते हैं, उनके ऊपर भी उसको लागू कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हैं, और फिर उसके बाद हम वांट हाफ फैक्टर को लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि कैसे इनकी निर्भरता कणों की संख्या पर होगी और क्या परिवर्तन आएंगे अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोलाइट या फिर ऐसे कंपाउंड ले लें जिसमें एसोसिएशन होता। तो पहला है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हमने देखी थी ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसका फार्मूला था एम आर डी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि एम है यहां पे मोलैरिटी, और मोलैरिटी आप जानते हैं ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें आप देख रहे हैं कि R कांस्टेंट है, टेम्परेचर किसी फिक्स टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे जो M है इसी पर पाई की डिपेंडेंसी है, और पाई भी वेरी करेगा जब उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स चेंज होंगे। इसी प्रकार अगर हम पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए लिखें, तो हमने देखा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आया था, और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है इसे हम लिख सकते हैं एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, जहाँ पे ए सॉल्यूट था और बी हमारा सॉल्वेंट था। हम जानते हैं कि जो अणुसंघ गुणधर्म हमने पढ़े थे, ये वर्क करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलयनों पर लागू होते हैं, और तनु विलयन की दशा में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सॉल्वेंट होगा बी यानी सॉल्वेंट, इसकी जो वैल्यू होगी वो काफी अधिक होती है एन ए की तुलना में। सॉल्यूट के मोलों की संख्या में सॉल्वेंट के मोलों की संख्या काफी अधिक होती है,
तो यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे एन बी प्लस एन ए, ये वैल्यू लगभग एन बी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि एन ए को अगर हम बहुत बड़ी क्वांटिटी, बहुत छोटी क्वांटिटी को बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऐड करेंगे तो जो बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी लगभग उतनी ही वैल्यू आएगी। जैसे हम कहें कि अगर हम 100 में 0.01 को ऐड कर दें, ये वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी, 100 ही हम मान सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे अगर लिया जाए तो यह जो वैल्यू आएगी वो एन ए अपान एन बी होगी। इसमें भी आप देख रहे हैं कि यह जो वैल्यू एन ए अपान एन बी आ रही है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यानी सोल्यूट के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रही है। अर्थात जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ए भी किस पर निर्भर कर रहा है, इज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है डेल्टा टी बी, यह था के बी इंटू एम। एम है मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन और यह होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से भी आपको दिख रहा है जो डेल्टा टी वी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, यह भी किस पर निर्भर कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसी ढंग से आपने देखा था कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अगेन यहाँ पे यह मोलैलिटी है और यह निर्भर करेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर। अब सामान्य दशा में तो हमारे लिए जो फार्मूले यहाँ पे विद्यमान हैं, पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, सापेक्षिक वाष्प दाब अवनमन तथा परासरण दाब के लिए। किंतु यदि हम इस केस को इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में लगाएं या ऐसे मटेरियल के केस में लगाएं जिसमें एसोसिएशन होता हो, तो क्या ये फार्मूले हमारे चेंज होंगे या ऐसे ही रहेंगे, ये हमारे अध्ययन की विषय वस्तु यहाँ पे है। तो आइए हम डिसोसिएशन का केस क्या होगा, एसोसिएशन का क्या केस होगा, उसको डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद अपने बॉन्ड ऑफ फैक्टर पर आते हैं। दो केसेज अराइज होंगे, या तो डिसोसिएशन होगा और या फिर एसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन का मतलब है कि यदि हम कोई पदार्थ लेके जाएं और विलयन फॉर्म में जब यह परिवर्तित हो तो ये दो कणों में टूट जाए। अभी ये एक कण है, मॉलिक्यूल है, और जब यहाँ पे जाए तो ये अपने आयन्स में टूट करके दो आयन बना ले। तो आयन भी एक कण हैं, यहाँ पे एक कण कंसीडर किया जाएगा एक कण के रूप, और जब यहाँ पहुँचेगा तो इसकी संख्या कितनी हो गई, दो कण बन गए। तो यह जो केस होता है इसे डिसोसिएशन कहा गया। अब यह किन मटेरियल्स में होगा, वे मटेरियल इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, अर्थात इलेक्ट्रोलाइट्स की दशा में, विद्युत अवघट्य की दशा में, जैसे हम NaCl को ले लें तो ये टूट करके अपने विलयन फॉर्म में यानी प्लस प्लस Cl माइनस में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम Al2SO4 थ्राइस को ले लें, ये जब टूटेगा तो 2Al+ +3
एंड 3SO4 माइनस 2 बनाए। तो यहाँ पे तो एक कण है ये, किंतु यहाँ पर यह है दो कण और प्लस तीन कण, दोनों मिलकर के पांच कण बन गए। यहाँ पर आपके दो कण बन गए। ये जो फार्मूले नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लिखे गए हैं, यदि इनका उपयोग हम इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर करें तो क्या वही रिजल्ट आएगा? निश्चित तौर पे नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कण विलयन रूप में जाने पर एक ही कण में बना रहता था, यूरिया यूरिया में ही बना रहता था, ग्लूकोज ग्लूकोज के ही कणों में बना रहता था, किंतु यहाँ पे जब हम सोडियम क्लोराइड को डाल देंगे तो सोडियम क्लोराइड डालने से पहले तो एक कण हम उसमें डाल रहे हैं, लेकिन जैसे ही विलयन में बना गया वह Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन के रूप में टूट करके दो कणों में बदल गया। और चूंकि यह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, केवल कणों की संख्या पर निर्भर करती है, तो यह अब संख्या दो हो गई ना कि एक। हम तो डाल रहे हैं एक कण और अपना कैलकुलेशन उसी के आधार पर करेंगे कि ऑस्मोस्टिक प्रेशर हमारा MRT से आ जाए, तो निश्चित तौर पे आएगा, कैलकुलेट तो हम कर ही सकते हैं। किंतु जब हम उसको लैब में टेस्ट किए कि वास्तव में इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आ रहा है, तो देखा गया कि जितना कैलकुलेशन से आ रहा है उससे दो गुना ज़्यादा ऑब्जर्व में आ रहा है, प्रयोगशाला में दो गुना ज़्यादा हो गया। तो क्यों ज़्यादा हो गया? क्योंकि यह अपने विलयन रूप में जा करके दो कणों में बदल गया था। अगर एल्युमिनियम सल्फेट का हम केस ले लें तो देखा गया कि इस फार्मूले से कैलकुलेट किया हुआ जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वह जितना यहाँ कैलकुलेट किया गया है उससे पाँच गुना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर एल्युमिनियम सल्फेट का आ रहा था। तो ये क्यों आ रहा था? इसी चीज़ को वान टॉप ने बताया कि यह इसलिए आ रहा है क्योंकि यह इलेक्ट्रोलाइट अपने विलयन फॉर्म में जा करके पाँच कणों में परिवर्तित हो जा रहा, और जब पाँच कणों में परिवर्तित हो जा रहा है तो निश्चित तौर पे कणों की संख्या तो पाँच गुनी हो गई, और ये जो फार्मूले हैं ये डिपेंड करते हैं कणों की संख्या पर, तो निश्चित तौर पे अगर पाँच गुना ज़्यादा हो गई है तो प्रॉपर्टी भी, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू आएगी वह भी कितनी आएगी? पाँच गुनी आएगी। तो इसी चीज़ को देने के लिए वान टॉप ने जो फैक्टर दिया, उस फैक्टर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं पहले हम यहाँ पे देख लें थोड़ा सा। वान टॉप फैक्टर, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, और इसकी जो वैल्यू आती है उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिजॉल्विंग इन सोल्यूशन, एंड नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिजॉल्विंग इन सोल्यूशन। आई की जो वैल्यू होगी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिजॉल्विंग इन सोल्यूशन, डिजॉल्विंग इन सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट में हम इसको डालेंगे तो निश्चित तौर पे सोल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व होंगे। डिजॉल्व होने के बाद यदि वह आयनिक फॉर्म में चेंज हो रहा है, कणों में टूट जा रहा है, तो टूटने पर उसके कणों की संख्या में वृद्धि होगी। तो जो कण टूट करके अलग हुए वो भी किसके हैं? सोल्यूट के ही तो हैं। भाई NaCl जो मैंने डाला तो उसमें Na प्लस और Cl माइनस में बना, तो ये जो दो आयन आए, कण आए, ये कहाँ से आए? सोल्यूट से ही आए, इसलिए हम इनको दो कण के रूप में मान रहे हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ सोल्यूट ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिजॉल्विंग इन सॉल्वेंट, इनकी जो संख्या हम लेंगे वो 2 हो जाएगी इन केस ऑफ NaCl। आई NaCl के केस में अगर हम लेंगे तो यहाँ पे यह जो संख्या आ रही है 2 आ रही है,
विघटन के बाद दो कण बन जा रहे हैं और विघटन के पूर्व नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिजॉल्विंग इन सॉल्वेंट, हमने NaCl का एक कण डाला था तो ये वन हो गया। तो NaCl का जो फैक्टर आएगा वन हाफ फैक्टर वो टू आएगा। यदि हम इसी को I की वैल्यू एल्युमिनियम सल्फेट के रूप में निकालें तो आप देख रहे हैं आफ्टर डिजॉल्विंग हमको फाइव कण मिल रहे थे, फाइव पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो ये फाइव हो जाएगा और यहाँ से एक कण हमको मिलेगा। तो इस ढंग से हम वन हाफ फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हमारा केस एसोसिएशन का हो, एसोसिएशन का केस का मतलब होता है जैसे हमने दो कणों को लेकर के और उसे सॉल्वेंट में डाला, तो निश्चित तौर पे ये जो सॉल्वेंट होगा ये एसोसिएट होकर के कुछ ऐसा बना लेगा। तो यहाँ तो कितने कण थे, दो कण थे, और ये दोनों जुड़ करके जब सॉल्वेंट में पहुंचे तो ये दोनों जुड़ करके किसमें बन गए, इनका जो आकार था थोड़ा बड़ा हो गया और एक दूसरे से जुड़ गए और एक कण में परिवर्तित हो गए। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि बाद की जो संख्या है वो कम हो रही है और डिसॉल्व होने से पहले इनकी संख्या ज्यादा थी। तो इस केस को हम एसोसिएशन का केस लेंगे। उदाहरण के रूप में हम एसिटिक एसिड को अगर बेंजीन में घोल दें, इसे हम बेंजीन में घोलें, एसिटिक एसिड को जब बेंजीन में घोलते हैं तो कुछ इस ढंग से यहां पे एसोसिएशन होता है। और इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यह जो केस बन रहा है, हमने दो कणों को लेकर के आगे चले थे हम, और जो दो कण थे ये आगे जा करके एसोसिएट होकर के एक कण में बदल गए। अगर एसोसिएशन का केस हो रहा होगा तो इसमें भी हम वन हाफ फैक्टर निकाल सकते हैं आई। इस केस में आई की वैल्यू क्या होगी, आई विल बी इक्वल टू आफ्टर डिजॉल्विंग इन सॉल्वेंट कण की संख्या कितनी है, वन आ गई है, दैट विल बी वन, और बिफोर डिजॉल्विंग जो कण की संख्या है वो टू है, यहाँ से टू आ जाएगी और ये जो वैल्यू आएगी वन बाई टू आ जाएगी। अर्थात एसोसिएशन के केस में वन हाफ फैक्टर की जो वैल्यू होती है वह एक से कम होती है, और एसोसिएशन के केस में या इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जो वन हाफ फैक्टर की वैल्यू होती है वह एक से ज़्यादा। अगर 100% एसोसिएशन माना जाए तब, अदरवाइज इसका कैलकुलेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की मदद से किया जाता है, उसे हमें भी बाद में डिस्कस करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि वन हाफ फैक्टर का यूज करके हम कैसे इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फार्मूलों को लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखें कि वन हाफ फैक्टर के कारण जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी वे किस ढंग से चेंज हो रही थी, एक उदाहरण लेकर के हम चलते हैं। यदि हम मान लें कि हमें ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला यूज करना है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पाई इज इक्वल टू एम आर टी है, और यह जो फार्मूला है निश्चित तौर पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के की दशा में था। यदि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ले लें, एग्जाम्पल के लिए यदि हमारा पदार्थ NaCl रहा हो
और उसे हम वाटर में डिजोल्व कर दें, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे एक पार्टिकल है और यहाँ जा करके यानी प्लस तथा सीएल माइनस वन पार्टिकल और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में, दो पार्टिकल्स में चेंज हो जा रहा। अब यहाँ पे जो हमारी मोलैरिटी है, अगर यह नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहा होता तो निश्चित तौर पे यहाँ पे अगर हम वन मोल लेके चलते तो हमारी मोलैरिटी यम की जो वैल्यू आती वन मोल पर लीटर आती। यदि NaCl नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहा होता तब की दशा में, क्योंकि तब यह विलयन में जाने के बाद टूटता नहीं, किंतु यहाँ पे चूंकि यह इलेक्ट्रोलाइट है, जब यह अपने विलयन में जाएगा तो एक NaCl दो पार्टिकल्स में टूट रहा है। तो अगर हम एक मोल NaCl के लेके चलेंगे तो निश्चित तौर पे यह विलयन में पहुंचने के बाद यह दो मोल हो जाएगा पर लीटर, यानी इसकी जो मोलैरिटी होगी वह चेंज हो जाएगी, टू मोल पर लीटर आ गई। अब इस वैल्यूज को अगर हम रखेंगे तो निश्चित तौर पे कैलकुलेशन के आधार पर MRT, जब हमको यह नहीं पता है कि NaCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उस दशा में जब हम इस फार्मूले को यूज करते तो हमारे लिए जो पाई का मान आता वो RT आ जाता। किंतु वास्तव में हो क्या रहा है, जब यह NaCl विलयन फॉर्म में जाता है तो दो भागों में टूट रहा है, जब यह दो भागों में टूट रहा है तो निश्चित तौर पे हमने तो डाला एक मोल था, और मैं यह मान के कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि हमने एक मोल NaCl को डाला है, तो एक मोल के आधार पर जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू देगा। किंतु जब हम उसे लैब में देखेंगे, प्रयोगशाला में, तो हम वो NaCl Na और Cl में टूट रहा ये हमें दिखेगा नहीं, लेकिन उसकी वजह से जो उसके ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज आएगा उसे तो हम मेजर कर सकते हैं। और जब मेजर करके देखा गया तो वास्तव में यह जो वैल्यू आ रही थी 2 RT आ रही थी, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी। तो कैलकुलेटेड वैल्यू तो RT आई और ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 RT आ गई। ये जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ क्यों आया, अभी हमने देखा इस चीज को कि यह डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि NaCl अपने सॉल्यूशन फॉर्म में आयंस में टूट जाता है और दो आयंस दे रहा हमको, तो एक पार्टिकल दो आयंस दे रहा है, यानी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो 2 times चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वही चीज यहाँ पे दिख रहा है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी इस फार्मूले से, नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला जो फार्मूला है वह हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू देगा, और जो वास्तविक स्थिति है विलयन में जाने के बाद वहां पे जो डिसोसिएशन हो रहा है उसकी वजह से जितने पार्टिकल्स बने उनको कंसीडर करते हुए अगर इस फार्मूले को हम लगाएंगे तो हमको जो मिलेगी वह ऑब्जर्व्ड वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमको मिल रहा है कि जो भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी प्रेक्षित अणुसंघ के गुणधर्म, प्रेक्षित अणुसंघ के गुणधर्म डिवाइडेड बाई परिकलित अणुसंघ के गुणधर्म का यदि रेशियो लें तो ये वैल्यू आई आ जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 RT है, तो ऑब्जर्व्ड हमारा 2 RT और कैलकुलेटेड हमारा RT। जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो RT RT कैंसिल हो जाएगा, हमारी वैल्यू आई आ जाएगी।
आई की वैल्यू 2 आ गई। और वही यहाँ पे इसके पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि NaCl के लिए आई का मान जो आता है वो 2 आता है। तो हम इस फार्मूले से भी आई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिख क्या रहा है, जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू था उसी में यदि हम 1/2 फैक्टर को गुणा कर दें तो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ रही। तो यहाँ से एक फार्मूला हमको मिल जाएगा जो हमने यहाँ पे लिखा है कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी इक्वल टू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाइड बाई आई। यहाँ से ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी प्रेक्षित और संघ गुणधर्म की वैल्यू अगर इसको हम इधर कर दें तो निश्चित तौर पे आई इंटू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कैलकुलेटेड कोली प्रॉपर्टी के लिए फार्मूला जो है वह जो यहाँ सामान्य विद्युत अनपघट के लिए यूज किया गया था वही फार्मूला है। तो इसकी मदद से हम इन फार्मूलों को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। आइए देखें कि कैसे हम चेंज करेंगे। ये जो फार्मूले लिखे गए हैं आप जानते हैं कि अनपघट्य के केस में लिखे गए हैं। ये जो फार्मूले हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में लिखे गए हैं। विद्युत अनपघट्य की दशा में लिखे गए। यदि इन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स पर यूज करें, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे जो केस हो एसोसिएशन का हो या डिसोसिएशन का हो दोनों दशाओं में लागू होगा। यदि हमारा जो सॉल्वेंट है उसमें सोल्यूट पहुंचने के बाद एसोसिएट हो रहा हो तब भी यह केस लागू होगा और एसोसिएट हो रहा होगा तब भी लागू होगा। तो फार्मूले में चेंज कहाँ आएगा उस चीज को मैं दिखा रहा हूँ कि पाई का जो फार्मूला हो जाएगा वो आई इसी में और मल्टीप्लाई कर दीजिए और एम आर टी लिख दीजिए। यहाँ पे जो आपका था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो था इसको हम लिख सकते हैं आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। या इसी को लिख सकते हैं यदि हम यह वाला केस ले लें जब बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन का केस लेंगे तो इसी को हम लिख सकते हैं आई इंटू एन ए बाई एन बी यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को लिख सकते हैं डेल्टा टी वी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन एंड इन सिमिलर वे डेल्टा टी एफ कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो 1/2 फैक्टर को यूज करते हुए सेम यही फार्मूले जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखे गए थे यही इलेक्ट्रोलाइट के केस में या ऐसे सॉल्यूट के केस में जिसमें एसोसिएशन होता है उनके लिए भी लागू किया जा सकता है। तो यहाँ से आप अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट दिया गया होगा या ऐसा पदार्थ दिया गया होगा जिसका एसोसिएशन हो रहा है उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अगर आपको डिटरमिन करना हो तो आप सेम यही फार्मूला यूज करेंगे बस उसमें 1/2 फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। इससे जो रिजल्ट आएगा वही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा।
अभी तक हमने जितने भी कैलकुलेशन किए या जो भी आपको एग्जांपल्स दिए गए उसमें मैंने माना कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% डिसोसिएट हो रहा है। किंतु क्या कोई जरूरी है कि जितने भी कण हमको दिए गए हों और उसको हम सॉल्यूशन में डालें तो 100% डिसोसिएट हुई हो जाए? जैसे हम कहें कि यदि हमें NaCl के 100 कण दिए गए और इसे हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो क्या हम यहाँ पे Na और Cl के 100-100 कण हमको मिल जाएंगे? अगर ऐसा हो गया तब तो हम कहेंगे कि 100% डिसोसिएट हो। किंतु वास्तव में उसका जो डिसोसिएशन होगा निश्चित तौर पे 100% से कुछ कम होता। अब आइए देखें कि यदि ऐसा केस हो तब हमारे लिए आई की वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, आई हमारा क्या होगा। हम NaCl का ही केस ले लें, NaCl मान लीजिए लिया हमने और ये डिसोसिएट होकर के Na+ और Cl- देगा, तो 11th में एक कंसेप्ट पढ़ा गया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यदि इस NaCl की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको दी गई हो, इसे अल्फा दी गई हो, तो हम अगर यहां से इसका 1 मोल लेके चलें इनिशियली, जब तक इसको घोला नहीं गया है तो इसके n मोल हैं, और उस विलयन में इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी? अभी जब घोला ही नहीं गया है तो निश्चित तौर पे क्या होगी, इसकी 0 होगी और इसकी क्या होगी, 0 होगी शुरुआत में। जब इस विलयन को इसमें घोल दिया जाएगा और पूर्णतः घुलन की क्रिया समाप्त हो जाएगी, यदि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो इसके अल्फा मोल्स घुल जाएंगे, और जब अल्फा मोल घुलेंगे अब तो जो अल्फा मोल घुल गए वो NaCl के फॉर्म में रहेंगे नहीं, तो एट इक्विलिब्रियम यहां पे जो स्थिति होगी कितने बचेंगे, 1- अल्फा मोल NaCl बचेगा, और जो घुला आयन में आयोनाइज हुआ जितने मोल आयोनाइज होंगे उतने मोल आपके Na बनेगा और उतने मोल Cl बनेगा, और हम कह रहे हैं डिसोसिएशन इसका अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका मतलब यहाँ पे अल्फा मोल Na का बन जाएगा और अल्फा मोल आपका बन जाएगा Cl- का। अब चूंकि हमें आई जो निकाला जाता है उसको निकालने का जो ढंग है वह है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एंड नंबर ऑफ आई की जो वैल्यू है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या इक्विलिब्रियम जैसा भी आप चाहें, और यहां पे होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। ये फार्मूला हम यूज कर चुके हैं। अब जरा सा देखें बिफोर वाले केस में क्या है, जब डिसोसिएशन प्रारंभ नहीं हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, कणों की संख्या कितनी है, यहाँ तो 1 मोल है, यहाँ 0 मोल है, यहाँ 0 मोल है, तो टोटल मोल दैट विल बी इक्वल टू 1। और आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो रहा है, आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप देखेंगे तो यहां पे क्या होगा, टोटल मोल विल बी इक्वल टू, ये भी तो एक कण है, ये कण है, ये कण है, तो जो बचा हुआ कण है NaCl का 1- अल्फा मोल यह भी तो उसी विलयन में है,
और चूंकि वन टॉप फैक्टर कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो चाहे डिजॉल्व फॉर्म में हो, आयनाइज फॉर्म में हो या नॉन आयनाइज फॉर्म में हो, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेना है आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद जो सोल्यूट के कण हैं उनकी संख्या लेनी है। वह डिसोसिएट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसको भी हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, और यह आप देख रहे हैं वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 प्लस अल्फा। तो इस दशा में आई की वैल्यू अगर हमको निकालना होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन आ गया 1 प्लस अल्फा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन जो आएगा वह आ रहा है 1 मोल, दिस मोल एंड तो यहाँ पे 1। तो आई की जो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस अल्फा आएगी। अब यह जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमको दिया रहे उस दशा में हम 1 प्लस अल्फा के रूप में अपने आई को लिख लेंगे। अल्फा की वैल्यू दी रहेगी, उसमें 1 जोड़ दें तो जो वैल्यू हमारी आएगी वही आई हो जाएगी, और इस आई का प्रयोग करके हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी में हम ले सकते हैं, अगर केस एसोसिएशन का हो, अगर एसोसिएशन का केस हो तो हमारा आई का मान कैसे निकलेगा, यदि 100% एसोसिएशन ना हो रहा हो तो। जैसे अगर हम ले CH3COOH, एसिटिक एसिड इन सोल्यूशन ऑफ बेंजीन, जब हम इसको बेंजीन में डालते हैं तो आपने देखा था कि ये एसोसिएट हो जा रहा था और इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा 2 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है और यहाँ पे 1 मोल। तो इनिशियली क्या स्थिति होगी, पहले तो हम ये देखें कि इनिशियल में क्या होगा बिफोर एसोसिएशन। इसके यदि हम 1 मोल मान लें, ये हमारा 1 मोल है, लेट दिस बी 1 मोल। जब इसका यह 1 मोल होगा तो इनिशियली इसकी जो संख्या होगी वो 0 होगी, क्योंकि अभी एसोसिएशन प्रारंभ नहीं हुआ है। यदि यहाँ पे हम अब एसोसिएशन को मान लें कि फाइनली क्या होगा, फाइनली जो स्थिति होगी, यदि इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा मान लें, डिग्री ऑफ एसोसिएशन इसका अल्फा मान लें, तो उस दशा में क्या होगा, यहाँ पे जो एसोसिएट होगा 1 माइनस अल्फा बचेगा, अल्फा तो क्या हो जाएगा एसोसिएट हो जाएगा, तो यहाँ बचा हुआ जो होगा 1 माइनस अल्फा होगा, इतने मोल बचे। और जब यह यहाँ गया, जितना यहाँ से एसोसिएशन हुआ था वो यहाँ कितना मोल देगा हमको, आप देख रहे हैं जब इसके 2 पार्टिकल्स थे, 2 कण थे, तो हमको 1 कण मिल रहा था। जब 2 कण एसोसिएट हो रहे थे तो 1 कण दे रहा था। तो यदि अल्फा मोल यहाँ पे एसोसिएट हो रहा है, अल्फा मोल एसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, अल्फा बाई 2 मोल मिलेगा। तो टोटल संख्या अगर यहाँ से निकालें तो इनिशियली जो इसकी स्थिति होगी वह होगी 1 मोल की, और फाइनली जो इसमें नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो आएंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2।
इस दशा में जो वैल्यू आएगी हमारी वन माइनस अल्फा बाई टू। तो इस वैल्यू को हम यहां पे उठा करके पुट कर दें तो आई का मान हमारा अब कितना आ जाएगा, फाइनल जो हमारी वैल्यू आई वह आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। अब यदि हम इसमें यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 मिल जाएगा हमें, और यह जो वैल्यू आएगी 1 माइनस अल्फा बाई 2 आएगी। अब यहाँ से दिख रहा है कि जब एसोसिएशन के केस में होगा तो हमारा जो i का मान होगा वो 1 से कम होगा, और हमने देखा था अभी जब डिसोसिएशन का केस होगा उस दशा में i का मान हमारा 1 से हमेशा अधिक होगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। तो इस ढंग से यहाँ पे हम i की वैल्यू निकाल लेंगे एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में, और इस i की वैल्यू को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो फार्मूला अभी हमने लिखा था i को इन्वॉल्व करते हुए उसमें पुट कर करके हम किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के अतिरिक्त हों, इलेक्ट्रोलाइट हों या एसोसिएशन के केस में हों, उन दोनों की दशाओं में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा है इसी में असामान्य मोलर द्रव्यमान। हम जानते हैं कि जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने देखा सब में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन्वॉल्व, और हम यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो पाई भी था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यम आर टी, और यम को हम लिख सकते हैं आर टी कांस्टेंट है, यम को हम लिख सकते हैं मोलैरिटी, और मोलैरिटी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर। ऐसे ही हमने पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए को देखा था, यह आया था एन ए अपान एन बी, तो यहां से भी दिख रहा है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू एन ए। यहाँ डेल्टा टी भी हमने कैलकुलेट किया था, और डेल्टा टी भी की वैल्यू आई थी के बी इंटू एम मोलैलिटी, तो यहाँ से भी दिख रहा है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू एन ए। सोल्यूट की मोलों की संख्या पर ही उसकी मोलैलिटी निर्भर करेगी। इसी प्रकार से डेल्टा टी एफ विल गिव यू के एफ इंटू एम दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू एन ए, अर्थात जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं सब निर्भर करती हैं सोल्यूट के मोलों की संख्या पर, और जो सोल्यूट के मोलों की संख्या है वह जब हम कैलकुलेट करें तो ये क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यहां से मास ऑफ सोल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट होगा, तो निश्चित तौर पे इस फार्मूले की मदद से हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम यही फार्मूला अगर यहां लगा दें तो इसकी मदद से हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से भी हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहां से भी मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने NaCl को लिया, NaCl के केस को लिया, और जो फार्मूले यहां पे लिखे गए हैं ये वैद्युत अनभघट्ट के लिए थे, और इन्हीं फार्मूलों हमको नहीं पता था कि NaCl वैद्युत अपघट्य है कि अनपघट्य है। जब हम इसकी मदद से इसको कैलकुलेट किए, हम यहां पे मान लीजिए इसी फार्मूले एक फार्मूले को यूज करते हैं, इनमें से इस फार्मूले को जब हमने यूज करके देखा
तो निश्चित तौर पे जो पाई की वैल्यू हमको दी गई थी उसकी मदद से जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो मोलर मास हमारा कुछ निकल के आया, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकल के आया, मान लीजिए एक्स आया। हमें इसके नेचर को ध्यान में बिना रखे हुए इस फार्मूले की मदद से हम इसका मोलर मास कैलकुलेट किए तो देखें कि हमारा मोलर मास ऑफ सोल्यूट आ गया है एक्स। तो यह जो होगा हमारा परिकलित मोलर मास होगा, कैलकुलेटेड मोलर मास, कैलकुलेटेड मोलर मास, क्योंकि इसे हमने इस फार्मूले से निकाला। किंतु जब हम इसको लैब में ले गए और इसका ऑब्जर्वेशन किया, प्रेक्षण किया और प्रेक्षण के उपरांत इसका मोलर मास निकाला गया तो देखा गया कि वैल्यू कुछ और आ रही है। तो लैब में जो काम होगा उसे हम कहेंगे ऑब्जर्व मोलर मास। ऑब्जर्व मोलर मास इसकी वैल्यू सपोज कीजिए एक्स डैश आ गए, तो निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं यहां पे जो हमारा कैलकुलेटेड मोलर मास था वो तो एक्स आया और जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास आया वो एक्स डैश आया। और यहां पे देख रहे हैं जो मास ऑफ सोल्यूट लिखा हुआ है इसी की मदद से यदि हम आई फैक्टर को निकालें इनके पदों में तो वैल्यू कैसे निकाली जाएगी उस चीज को हम यहां पे देखते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारा पाई है और पाई की जो वैल्यू आई वो आ गई मास ऑफ सोल्यूट, मान लीजिए हमने इसको एम लिख लिया, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट इस ढंग से आ जाए, यह जो वैल्यू आई हमारी ये कौन सी आ रही है, पाई कैलकुलेटेड आ रही है। और पाई जब ऑब्जर्व आएगी तो क्या होगी, जब यहाँ पे कैलकुलेटेड है तो यह भी क्या होगा, मोलर मास जो होगा हमारा यह भी क्या होगा, कैलकुलेटेड ही होगा। अब यदि हम इसे ऑब्जर्व करें तो इसकी मदद से जब हम निकालेंगे तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो होगा ये ऑब्जर्व्ड आएगा। और हम यहां से देख रहे हैं कि यह जब वैल्यू आती है, आई हमारा क्या था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड, पाई ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय पाई कैलकुलेटेड। और जब इस वैल्यू को हम यहां से पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, m अपॉन m ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाई m अपॉन कैलकुलेटेड, m कैलकुलेटेड। और जब इस वैल्यू को हम यहां से पुट करेंगे, सॉल्व करें तो क्या दे देगा, m कैलकुलेटेड ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई एम यानी मोलर मास ऑब्जर्व। तो यहां से निकल के आ रहा है कैलकुलेटेड परिकलित मोलर मास, मोलर द्रव्यमान बटे ऑब्जर्व्ड प्रेक्षित मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। अभी तक जब हम निकाल रहे थे तो इसमें ऑब्जर्व ऊपर आ रहा था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड। लेकिन जब हम मोलर द्रव्यमान के केस में लेंगे तो आई को हम जब निकालने लगेंगे मोलर द्रव्यमान के पदों में
उस समय जो कैलकुलेटेड मोलर मास होगा वह ऊपर होगा और ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो होगा वो नीचे होगा। क्यों होगा? मैंने यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करके आपको दिखाया। तो आई की जो वैल्यू आ रही है हम इस वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं कि आई इज इक्वल टू एम कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑब्जर्व। यहाँ पे सामान्य दशा में तो जो उसका मोलर मास ऑब्जर्व्ड होगा, अगर हम विद्युत अनपघट्य लेके चलें, नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेके चलेंगे, तो उसका जो मोलर मास आएगा वह चाहे वो कैलकुलेटेड निकालें और चाहे ऑब्जर्व निकालें, दोनों दशाओं में सेम होगा। किंतु यदि हम इलेक्ट्रोलाइट के केस में लेके चलें या एसोसिएशन के केस को लेके चलें, जो सामान्य वास्तविक मोलर मास है उसकी तुलना में हमें जो उस पदार्थ का मोलर मास होगा वो बदला हुआ प्रतीत होगा, बदला हुआ आएगा हमारे कैलकुलेशन। तो जो बदला हुआ आए, वास्तविक मोलर मास ना आ करके कैलकुलेशन के द्वारा, वह जो दूसरा मोलर मास आ रहा है, अलग मोलर मास आ रहा है, उसी को हम कहेंगे असामान्य मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। एक डिफिनीशन है जो असामान्य मोलर मास की है, असामान्य मोलर द्रव्यमान की है, यह है ऐसा मोलर मास जो सामान्य मोलर मास या वास्तविक मोलर मास से अधिक या कम आए। ऐसा मोलर मास जो सामान्य मोलर मास या वास्तविक मोलर मास से अधिक या कम आए असामान्य मोलर मास कहलाता है। जैसे हम अगर NaCl का केस ले लें, NaCl का केस ले लें, तो आप देख रहे हैं यानी 23 प्लस 35.5 वास्तविक मोलर मास इसका हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। किंतु जब हम ऑब्जर्व करते हैं उसके वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, किसके माध्यम से, जो फार्मूले हमारे पास विद्यमान थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखा गया कि यह वैल्यू इतनी न आ करके, यह वैल्यू आ रही थी 58.5/2, अर्थात ये 29.25 इतने ग्राम पर मोल। तो NaCl का जो मोलर मास था जब हम कैलकुलेट किए तो निश्चित तौर पे वैल्यू जो आ रही है वो इतनी आ रही है, जबकि आना कितना चाहिए जो सामान्य होता है वो इतना आना चाहिए। तो गणना के माध्यम से NaCl की जो वैल्यू इतनी आई जो कि कम है, इसे ही हम क्या कहेंगे, असामान्य मोलर मास। और यह आता क्यों है? ऐसे पदार्थों की दशा में यह असामान्यता आती है जिनका विलयन रूप में या तो डिसोसिएशन होता है या उनका एसोसिएशन होता है। कितनी असामान्यता आएगी, कितनी कमी या कितनी वृद्धि आएगी, वह डिपेंड करता है कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या है उस दशा में। जैसे यहाँ पे हमने देखा था NaCl के लिए बॉन्ड ऑफ फैक्टर कितना आया था, आई आया था। तो यहाँ पे देखिए जो ऑब्जर्व है, कैलकुलेटेड है और ऑब्जर्व है, जो वास्तविक मान है और जो कैलकुलेटेड मान है, कैलकुलेटेड जो वैल्यू आएगी यानी जो यहाँ से दिया गया है ये वैल्यू आनी चाहिए, वह वैल्यू
अगर हमको निकालनी है तो निश्चित तौर पे अगर वन टॉप फैक्टर यानी सीएल की दशा में हम जानते हैं 2 है, तो सामान्य को निकालने के लिए सामान्य मोलर द्रव्यमान अगर हमको निकालना हो तो असामान्य मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान में हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई कर देंगे आई से। अगर हमें सामान्य मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करना है, जो उसका वास्तविक मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करना है, तो जो असामान्य मोलर द्रव्यमान होगा उसमें हम वन टॉप फैक्टर का गुणा कर देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे असामान्य मोलर द्रव्यमान इसका इतना बता रहा है। यदि NaCl की दशा में चूंकि I का मान 2 होता है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो निश्चित तौर पे यह वैल्यू आ जाएगी 58.5, जो कि सामान्य मोलर द्रव्यमान है। तो किसी पदार्थ का यदि असामान्य मोलर द्रव्यमान हमको पता हो और उसका वन टॉप फैक्टर पता हो तो उसका हम सामान्य मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फैक्ट्स के रूप में, संकल्पना के रूप में इस चैप्टर की चीजें समाप्त हो गई हैं। इस वन टॉप फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम करेंगे और साथ ही साथ इस एक्सरसाइज में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं NCERT में दी गई हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स को लेकर के हम एक नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। बस आज इतना ही, धन्यवाद।